जी के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं और हरियाणा की जनता का खास तौर से आभार और उसका जम्मू कश्मीर की जनता का भी आभार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को हालांकि जैसी कामयाबी सोच रहे थे वैसी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक अच्छी बढ़त बीजेपी को मिली। और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ इस पर सीधे चलते हैं अनंत के पास। अनंत, आप बताएं हमें कि जम्मू कश्मीर का क्या है ताज़ा हाल। धन्यवाद अखिलेश, धन्यवाद निधि, आपका हमारे दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं खास रोप वे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की जब बात है तो थोड़ा सा हाथ को मसल लेते हैं क्योंकि सर्दी का एहसास होने लगता है। खैर, इन हसीन वादियों से गुजरते हुए हम जम्मू कश्मीर के रुझानों की आने दीजिए प्रेरणा। शाम तक पार्टी हाईकमांड वहाँ के हमारे एक्सपर्ट जो इंचार्जेज हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के उत्सव विस्तरण करेंगे, मान लो उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी भाई कि आज जो परिणाम आए आ रहे हैं या अंतिम परिणाम क्या होंगे, उसके बाद विस्तरण होगा भाई कि क्या स्थिति बनी है। सर, एग्जिट पोल की जहाँ तक बात की जाए, अब क्योंकि हरियाणा के जो परिणाम है, जो अब तक के परिणाम आए, एग्जिट पोल तो 6-7 थे, सभी ने एक तरफ बताया जीत कहूँगी इसकी, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है धीरे धीरे शाम तक मालूम पड़ेगा। जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए दिल्ली में वो नज़र रखे हुए हैं, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, शाम तक आपको सब बात पता ही जाएगी क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या परिणाम अंतिम आए हैं और क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, ये तमाम बातें मालूम। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, मालूम है, कह दिया आपने, क्वेश्चन किया है, बता दिया इन्होंने, वो मुझे मालूम है उन्होंने किया है, तो शाम तक इंजॉय कीजिए आप लोग। ये लोग रुझानों से कि एक दो कास्ट के दम पर भी कोई पार्टी नहीं जा सकती, सबको ही साथ लेकर चलना पड़ता है आमतौर पर, आप भी इसके पैरोकार रहे, किसने कहा सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, ऐसा लग रहा है रुझानों से। शाम को बताएंगे आपको विश्लेषण, अभी आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा रुकिएगा। गेलो साहब, आपका बयान आया था सर्कस की बात, सर्कस वाला, उसके काउंटर में कल भजनलाल जी का भी एक बयान आया है कि सर्कस तो आपकी सरकार करती है। वो तो देखिए जनता फैसला करती है कि किसके वक्त में क्या चल रहा था। मैंने अपनी भावना बताई है, मैंने भावना बताई है मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद के इंटरेस्ट में बताई है, रुचि उनके लिए कहना चाहिए उनके इंटरेस्ट में बताई मैंने, क्योंकि जिस प्रकार के खाली दौरे हो रहे हैं, अप डाउन करें दिल्ली से जयपुर तक, और जनता में फर्स्ट इम्प्रेशन ठीक नहीं गया है गवर्नेंस का, इस सरकार का, और गांव-गांव में चर्चा क्यों होती कांग्रेस की, हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, हर गांव में, किसी गांव में चले जाओ। मैं भजनलाल जी कहना चाहूँगा कि आप अपना एक सर्वे करवा लीजिए कि आज आपकी गवर्नमेंट के बारे में लोग क्या बात करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं मान लो, पर जो सत्तापक्ष के लोग हैं वो अलग से प्राइवेटली क्या बात करें हम जानते हैं, मैं उनका कोई नाम नहीं लेना चाहता, पर मेन बात है आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेशवासी क्या सोचते हैं। अगर मान लो मैं अच्छी बात कहूँ, अभी तो उनकी गवर्नमेंट को 8 महीने हो गए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर 8 महीने बहुत होते हैं, वो चार साल कब तक बोलते रहेंगे, 5 साल, अब 8-10 महीने भी हो गए मान लो, तो उनको गवर्नेंस क्या हो रही है हर विभाग में, पेंशन नहीं मिली लोगों को। मैंने कहा डेंगू रोग है तो मैंने इसलिए कहा भाई कि सरकार का ध्यान जाए उसकी तरफ, जो स्कीम हमारी थी वो सब बंद हो रही है, राशन में जो किट मिला था अनुभरना किट, मैंने कहा पहले भी फोटो बदल देते मुख्यमंत्री जी, स्कीम बंद क्यों की आपने, जो महंगाई के वक्त में राहत दे रही थी। तो आप अगर विश्लेषण करेंगे हर स्कीम जो है, हर स्कीम या तो बंद कर रहे हैं या उसको डायल्यूट कर रहे हैं, और मैंने जो कुछ भी डिसीजन में दिया मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, मैं खाली मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट में दिया, सरकार नई नहीं बनी है, कल दोतासा जी कह रहे थे सरकार इनको 5 साल चलानी है, तो जो ऐसी स्थिति है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वो बात कहें जो सरकार को मजबूती प्रदान भी करे, हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, और सच्चाई बताएं उनको। उसे 2 फायदे हैं, सरकारी गवर्नेंस अच्छी होती है तो अंतिम फायदा पब्लिक को मिलता है, आम जनता को मिल रहा है, विकास रुकता नहीं है, आधारभूत संरचना आगे बढ़ती है, चाहे रोड्स हो, ब्रिजेस हो, या कोई भी बिल्डिंग हो, काम आगे बढ़ता है। अब वो खाली बार बार हवा में बातें करते रहते हैं, यमुना का पानी लेके आएंगे, ERCP को नया नाम दे दिया, कुछ भी नहीं होने वाला इनसे, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं ध्यान दिलाऊँ मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि हम लोगों के अनुभव का लाभ लें, ये मेरा मानना है।
वो कितना लेते हैं वो तो उनके ऊपर है, वो तो उनके ऊपर है। पर मेरी दुर्भावना ये नहीं कि इनको नीचा दिखाने के लिए आपको स्टेटमेंट दे रहे हो सर्कस से। सर्कस मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनकी पार्टी लोग बोल रहे हैं सर्कस के लिए, और वो सर्कस की तरह ही काम चल रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई मंत्री इस्तीफा देने के बाद में कैबिनेट मीटिंग में जाते हैं, MLA धमकी दे रहे हैं, और बाकी आप जानते हो क्या स्थिति चल रही है राजस्थान के अंदर। पर सबसे बड़ी बात छोड़ी इन बातों को, सबसे बड़ी बात यह कि जो राजस्थान के लोग क्या कहते हैं वो तो किसी के हाथ में नहीं है। हम भी चुनाव हार गए थे, मान लीजिए झूठ बोला गया, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं 5 लाख हिंदू को दिए, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, क्या क्या नहीं बोले वो लोग झूठ सरकार बनाने के लिए। बन गई सरकार उनकी, बनने के बाद में मैं समझता हूँ जनता का भला तो हो, जनता का भला हो, सब तरह से मतलब एक प्रकार से क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तो क्यों नहीं इनको मतलब अगर विपक्ष कोई बात बोलता है तो उसको लेना चाहिए कुछ फीडबैक के रूप में। विपक्ष बोलता है अगर मैं तो मीडिया कोई आलोचना करता हमारी करता था या करता है तो मैं लेता हूँ, ये हमें फीडबैक भी दे रहे हैं, हम तो उसको फीडबैक के रूप में लेते हैं और प्रयास करते हैं भाई कि ये जो फीडबैक मिला उसके आधार पर कार्रवाई भी करें। मैंने गवर्नेंस चलाई थी 5 साल, उसमें जो है हमने इन बातों का ध्यान रखा कि भाई किस प्रकार से फीडबैक देते हैं, मीडिया वाले हो चाहे विपक्ष वाले हों। हमने विपक्ष की आलोचना को कभी भी इस रूप में नहीं लिया कि कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है तो 4 मंत्री और मुख्यमंत्री सब वक्तव्य दे रहे हैं, उसके लिए जरूरत नहीं है, एक वक्तव्य काफ़ी होता है। तो मैं देख रहा हूँ कल से जो झड़ी लगी हुई है, कोई तुक नहीं उसका, तो ये बात है। तो मैं देखता हूँ कि सरकार को अभी समझ आना चाहिए, और हम चाहेंगे गवर्नेंस अच्छी चले। आगे 5 साल बाद तो जनता फैसला करेगी कि क्या फैसला करती है, वो तो निर्भर करेगा उस पर 5 साल तक सरकार तो अच्छी चले उसमें इंटरेस्ट हमारा भी होना चाहिए। अगर हमारा कमिटमेंट जनता के साथ है, गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो भी हैं, जो गरीब आदमी किसी कौम का हो भला ही, उन सबका भला कैसे हो, रास्ता में विकास कैसे हो, ये हमारी रुचि रहेगी। उसके अंदर मान लो हम बोलते हैं तो उनको उस रूप में भी लेना चाहिए। हाँ, अगर हमने कोई झूठे आरोप लगाए हैं, कुछ किया, तो ठीक है, जवाब दीजिए।